भाजपा का काम लोगों पर अत्याचार करना, अनर्गल बातें करना, लोगों की आलोचना करना, और केंद्र में बैठी हुई सरकार अपनी बातों को हमारे ऊपर थोपे, वो नहीं चलेगा। और ये तख्तियाँ आप पड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं, लोग अपने हाथों में लेके खड़े हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ आपत्तिजनक नहीं है। अभी कोई जेल में कोई उनको सज़ा नहीं हुई है, अभी केस चल रहा है, अभी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसीजन देगी। दोस्तों एक बार फिर से आपके साथ, इस समय भावना गौड़ जी मेरे साथ हैं, पालम से विधायक हैं, और पूरे मामले में आज हम बातचीत करेंगे मैम से और जानेंगे आखिर सच क्या है। क्या है मैम, अभी पोस्टर का पूरा माहौल चल रहा है, मेनस्ट्रीम मीडिया के द्वारा लगातार ये दिखाया जा रहा है कि आपत्तिजनक पोस्टर है, लेकिन इससे पहले भी इंदिरा हटाओ, इन सब के पोस्टर लगते रहे, है ना, तो ये तो राजनीतिक प्रकरण है पूरा, लेकिन अभी ये कैसे आपत्तिजनक पोस्टर होगा, थोड़ा सा समझाएं। देखिए, मुझे तो लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष में बैठे हुए लोग जब भी कभी अपनी बात को जनता के सामने रखना चाहते हैं, समाज के सामने लाना चाहते हैं, तो पोस्टर और बैनर के माध्यम से ही वो चीज़ें बाहर आती हैं। और ये तख्तियाँ आप पड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं, लोग अपने हाथों में लेके खड़े हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन मैम 200 लोगों पे FIR। हाँ, ये तो देखना चाहिए कि सत्ता में बैठी केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें अगर उनके मन मुताबिक कुछ काम नहीं कर रही हैं तो उन पर FIR करना। और हम तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, 2012 से लेकर के अब तक केंद्र सरकार जिस भी तरीके से हम पर भी अत्याचार कर रही है, हम सब लोग झेल रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार को ये जानना पड़ेगा कि जनता के बहुमत से जीत करके दिल्ली में आई हुई आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जब जनता ने बहुमत दे दिया तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, तो 5 साल तक तो हम लोग बने रहेंगे। अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे जिसे जनता को लाभ होगा, दिल्ली को विकास होगा, दिल्ली स्वच्छ होगी, सुंदर होगी, तो स्वाभाविक है कि लोग हमसे जुड़ेंगे और लोग हमें वोट करेंगे। आपने देखा 2015 में हम पूर्ण बहुमत से आए, 2020 के चुनाव में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आई है। मैम, लेकिन लगातार लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी अगर गलत नहीं होते तो वो जेल में नहीं होते, इतने नहीं है, अभी कोई जेल में कोई उनको सज़ा नहीं हुई है, अभी केस चल रहा है, अभी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसीजन देगी। ये हमारी ED और CBI डिसीजन नहीं देंगी कि कौन सही है कौन गलत है, ये केस कोर्ट में चलेगा। आपने देखा ना जाने हमारे जैसे कितने सारे विधायकों के ऊपर फर्जी केस बने और वो बहुत इज्जत के साथ में वो बरी होकर के कोर्ट से आए हैं। तो कब तक जारी रहेगा ये विरोध? ये विरोध तो आप देखिए, जो रोकने का प्रयास है उनको 2024 का खतरा है, और हमारे कदम 2024 की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन लोग कौन कह रहा है? आम आदमी पार्टी कोई तिल मिला नहीं रही, आपको किसने कहा तिल मिला रहे हैं? ये तिल मिलाए हुए लोगों की भीड़ है क्या? भाजपा का काम लोगों पर अत्याचार करना, अनर्गल बातें करना, लोगों की आलोचना करना, ये उनका अपना एक परंपरागत उनकी एक व्यवहार है उनका, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। हमें क्या करना है, हम अच्छा कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली नहीं भारत चाहते हैं, उस ओर काम कर रहे हैं हम लोग। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर शराब से रेवेन्यू नहीं आता है, बताइए। और केंद्र में बैठी हुई सरकार अपनी बातों को हमारे ऊपर थोपे, वो नहीं चलेगा। जब भी राज्य सरकारें जीत करके आती हैं, राज्य सरकार अपने से नियम बनाती है, तो उसे रेवेन्यू प्राप्त होता है, हर राज्य सरकार चलती है उससे। 100 करोड़ से ज़्यादा राजस्व का नुकसान किया है आप लोगों ने, गलत? ऐसा कुछ नहीं है, जब वो सब चीज़ों के रिजल्ट आएंगे तब देखिएगा जी। तो ये पालम से विधायक आम आदमी पार्टी की भावना गौड़ जी थी, लगातार आपने देखा किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं तमाम जवाबों के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर करें। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट TV इंडिया।